आज हम पढ़ने वाले हैं व्युत्क्रमानुपाती विचरण, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। अर्थात जैसा मैंने पहले बताया था वैसा ही दो संबंधित राशियां हैं जिनमें से यदि एक राशि को आप जिनमें से एक राशि यदि बढ़ती है तो दूसरी राशि अपने आप कम हो जाती है। अर्थात एक राशि को हम यदि बढ़ाते जाते हैं तो दूसरी राशि अपने आप उसी अनुपात में कम होती जाती है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि एक राशि को यदि कम करते हैं तो दूसरी राशि स्वतः ही बढ़ने लग जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने उस समय बताया था और अभी फिर से बता दे रहा हूँ कि यदि आपके पास में आपने सीमित रुपए रखा हुआ है और मुझे इतने रुपए का सामान खरीदना है, तो यदि किसी चीज़ का सामान करे का मूल्य यदि बढ़ता है तो आप कम सामान खरीदेंगे, यदि कम मूल्य रहेगा तो आप ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे। तो अपने आप एक चीज़ मूल्य की वृद्धि होगी तो आपके सामान की संख्या कम हो जाएगी, मूल्य की कमी होगी तो सामान की संख्या आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि राशि आपकी निश्चित है। ऐसे ही काम के बारे में भी, यदि कोई काम निश्चित है तो यदि एक व्यक्ति करता है उस काम को तो उसे ज़्यादा समय लगेगा, दो व्यक्ति काम करेंगे तो वो निश्चित रूप से थोड़े से कम समय में लोग पूरा कर लेंगे, लेकिन दो से और अधिक आदमी वहाँ पर उस काम को करने लग जाएंगे तो वह काम तुरंत पूरा हो जाएगा, बहुत कम समय में पूरा हो सकता है। ये है व्युत्क्रमानुपाती विचरण कि आदमियों की संख्या बढ़ती गई, मजदूरों की संख्या बढ़ती गई तो काम खत्म होने के समय की में कमी होती गई, चाहे वो दिन हो चाहे वो घंटा हो। ऐसे ही खाने के सामान के ऊपर में, खाना निश्चित है यदि आपके पास में तो यदि आदमी कम होंगे तो सबको पर्याप्त तो मिलेगा, लेकिन यदि आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो हो सकता है सबको थोड़ी थोड़ी कमी हो जाएगी और हमें मतलब एक व्यक्ति को जो मिलने वाला जो राशन है या भोजन सामग्री है वो थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी, जैसा हम लोग हमारे घरों में भी देखते हैं। तो ये सब चीज़ें व्युत्क्रमानुपाती विचरण को दर्शाती है कि एक राशि यदि बढ़ेगी तो दूसरी राशि कम हो जाएगी। मैंने उसके छोटे छोटे उदाहरणों को लिया था, आज हम उसके सवालों को देखते हैं। बारी बारी से एक एक सवाल लेते हैं हर प्रकार के और फिर देखते हैं। पहला सवाल जो लेने जा रहा हूं मैं आपके स्क्रीन पर दिखेगा वो, 45 मजदूर एक काम को 27 दिन में पूरा करते हैं तो कितने मजदूर उसी काम को 15 दिन में पूरा करेंगे। यदि किसी काम को करने में 45 मजदूरों को 27 दिन लग जाता हो और यदि उसे 15 दिन में हमें पूरा करना हो तो निश्चित रूप से हमें मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अभी 45 है, हमें उसे ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ये विचरण जो है वो व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। चलिए हल करते हैं और डब्बा बना के पहले जैसा डब्बा हमने पहले बनाया था वैसे डब्बा हम अभी भी बनाएंगे। जैसा बोला है 45 मजदूर जो है उसे 27 दिन में पूरा करते हैं तो यदि हमें उसे 15 दिन में पूरा करना हो तो हमें कितने मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो माना कि हमें एक्स मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, हम ये मान के चलते हैं जैसा गणित में है कि माना कि आप करके हल कर सकते हैं। तो माना कि हमें एक्स मजदूरों की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स मजदूर हमें लगेंगे। चूँकि यह विचरण व्युत्क्रमानुपाती है, चूँकि यह विचरण व्युत्क्रमानुपाती है तो इसलिए जो मैंने पिछले बार अनुक्रमानुपाती के समय में जो मैंने तीर का निशान आपको बताया था वो थोड़ा सा बदल जाएगा। लीजिए एक्स के तरफ से ही उसे ऐसे, लेकिन इधर से आप उसे उल्टा कर दीजिए, मतलब तीर एक ही दिशा में नहीं जाएंगे, एक दिशा से तीर जाएगा और दूसरे दिशा में वो तीर वापस आएगा। तो हम जैसा तीर का जो पीछे का हिस्सा है वहाँ से हम बटे करना शुरू करते हैं तो एक्स बटे 45 बराबर 27 बटे 15। तिरक गुणा करने पर ये 45 का तिरक गुणा हो जाएगा तो हम लोग लिख लेते हैं, तिरक गुणा करने पर x बराबर हो जाएगा 27 गुणित 45 बटे 15। काटना हमको आता है, हम लोग जानते हैं 15 के पहाड़े में 45 आता है तो 15 का पहाड़ा 15 एकम 15, 15 दिया 45 तो x बराबर हो जाएगा 27 गुणित 3 बराबर x बराबर हो जाएगा 81। अर्थात हम लिख सकते हैं कि हमें 81 मजदूर हमको लगेंगे यदि हमें उसी काम को 15 दिन में पूरा करना पड़ेगा। देख लीजिए जैसा मैंने बोला था वैसा हुआ है कि मजदूर कम थे, ज़्यादा दिन लग रहा था, हमें कम दिन में ख़त्म करना था, हमें ज़्यादा मजदूर मतलब 81 मजदूरों की ज़रूरत पड़ रही है।
तो ये है व्युत्क्रमानुपाती सवाल का जो हम लोग जो समानता इस रूप में हमको मालूम चलता है, और अधिकतर काम वाले में हमको ये समय दिन मजदूर ये हमको अधिकतर मिलेंगे ऐसे सवाल हमें परीक्षा में भी। ऐसे ही हम दूसरा सवाल देख लेते हैं और उसे हल करने की कोशिश करते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, उसी दूरी को वह बस किस चाल से केवल 4 घंटे में तय कर लेगी। मतलब बस की चाल जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन यदि उसे 4 घंटे में उस दूरी को तय करना होगा तो निश्चित रूप से उसे अपनी चाल बढ़ानी होगी। जैसा मैंने पहले उदाहरण में बताया है, यदि आप पैदल चलते हैं तो आपको ज़्यादा समय लगता है, यदि आप उसी को साइकिल में हो जाते हैं क्योंकि साइकिल की गति थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो आपको निश्चित रूप से समय कम लगता है। तो ये बस ऐसी यहाँ भी है, बस की गति के ऊपर है, धीमी चल रही है या तेज़ चल रही है, धीमी चल रही थी, नेक्स्ट टाइम वो तेज़ चलेगी तो समय कम लेगा। देख लेते हैं, डब्बा वैसी बनाते हैं। तो माना कि वह x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलेगी, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलेगी, डब्बा जैसा था वैसा बना लीजिए और हल करने का तरीका तो बिल्कुल कोई अंतर नहीं पड़ेगा, सब वैसी है। यहाँ चाल ले लेते हैं और यहाँ समय ले लेते हैं। जैसा बोला था दूरी निश्चित है, तो दूरी निश्चित है तो आपको दूरी के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब इसके अनुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा बोला था, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसे 6 घंटे, बस चलती है तो 6 घंटे का समय लगता है, तो वो x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे तो 4 घंटे में वो दूरी तय करेंगे। चूंकि अब यह विचरण व्युत्क्रमानुपाती है तो जैसा बोला था तीर का निशान ऐसा और फिर ऐसा कर लीजिए, और x बटे 30 किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे चलेगा क्योंकि कट जाएगा वो आगे जाके, बराबर 6/4। ये हाँ किलोमीटर प्रति घंटा ये भी है, किलोमीटर प्रति घंटा ये भी है, तो x बराबर हो जाएगा 6×30/4। आप काटना चाहे तो 2-2 से कट जाएगा, 2×2=4, 2×3=6, और 2 से कट जाएगा, 2×1=2, 2×5=10। x बराबर हो गया 15×3=45 किलोमीटर प्रति घंटा, की चाल से यदि बस चलेगी तो वह निश्चित रूप से उस दूरी को 4 घंटे में तय कर लेगी। तो जैसा था व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार कि धीमी चलेगी तो 6 घंटा, तेज चलेगी तो 4 घंटा, तो 30 किलोमीटर से चल रही थी 6 घंटा हो गया, चाल बढ़ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी, निश्चित रूप से 4 घंटे में वो तय कर लेगी। तो ये हमारा दूसरा सवाल है जिसे हम देख सकते हैं, और मुझे लगता है ज़्यादा कठिन भी नहीं है, सरल है। थोड़ा सा अलग सवाल लेते हैं जिसमें कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये सातवां सवाल है, एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की राशन सामग्री है, मतलब राशन सामग्री निश्चित हो गई है जो 15 दिनों के लिए है, यदि अवकाश के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएँ तो वह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। वो राशन सामग्री 300 छात्रों के लिए थी, 200 चले गए मतलब शेष बचे 100, वो 100 अगर छात्रों की संख्या कम हो गई है तो निश्चित रूप से वो सामग्री जो है वो अधिक दिनों तक चलेगी। तो यहाँ समझना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना, तो हम उसको पहले लिख लेते हैं क्योंकि आप 200 करके इस सवाल को नहीं बना सकते। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, चूँकि कुल छात्र थे 300, अवकाश में चले गए 200, शेष जो बचेंगे उन्हीं पर हमें सवाल को बनाना है, तो शेष 100 छात्र रह जाएंगे और उन 100 छात्रों के लिए हमको राशन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी उसको निकालना है, मतलब 200 का काम खत्म हो गया आपका। तो यहाँ पर अब हम एक डब्बा बना लेते हैं ऐसी जैसा पहले बना रहे थे और देखते हैं। तो एक तो छात्रों की संख्या हो गई, यहाँ पर हम लिख लेंगे छात्रों की संख्या, और दूसरा है दिन, क्योंकि राशन सामग्री निश्चित है इसलिए हम राशन सामग्री से हमें कोई मतलब नहीं है फिलहाल, है ना। तो यहाँ है 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री थी, वो 300 छात्रों के लिए 15 दिन की राशन सामग्री थी, अब मात्र 100 बचे हैं तो 100 लोगों के लिए वो एग्जाम चलेगी। तो चूंकि विचरण व्युत्क्रमानुपाती है, अधिक लोग रहेंगे कम दिन चलेगी, कम लोग रहेंगे ज़्यादा दिन चलेगी, तो चूंकि यह विचरण व्युत्क्रमानुपाती है तो इसको भी वैसी तीर का निशान आप ऐसे बनाएंगे और एक तीर का निशान आप ऐसे बना लीजिए। इस तरीके से करेंगे तो कभी भी गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहती है, और आपको कोई सूत्र इसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो x बटे 15 बराबर
300 बटे 100 x बराबर हो जाएगा हमारा, हम 15 का 13 गुणा कर देंगे, 15 का 300 में 13 गुणा हो जाएगा, तो 15 गुणित 300 बटे 100। जैसा शून्य को काटने का तरीका है, इकाई का शून्य इकाई से कट जाएगा, ढाई का शून्य ढाई से कट जाएगा, या 100 दिया 300 भी हो सकता है, तो आप उस तरीके से काट सकते हैं। तो x बराबर हो गया 15 दिया 45, मतलब वो राशन सामग्री जो है वो 45 दिन तक पूरेगी। तो ये थोड़ा सा सवाल थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो भी यहाँ शुरुआत में ही। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपके लिए सवाल फिर बिल्कुल आसान हो जाता है। तो उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल हम लोग ले लेते हैं, इसी से मिलता जुलता है, उसमें भी थोड़ा सा अलग है, इसी प्रकार का थोड़ा सा अंतर कर दिया है उसने, तो हम निकाल के देखते हैं और उत्तर को भी हमको मिलाना पड़ेगा उसमें, क्योंकि कुछ अलग है। 10वां सवाल है, एक सैनिक शिविर में 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों की रसद सामग्री है, यदि शिविर में 42 सैनिक और शामिल हो जाए तो रसद सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। अब उस समय ऐसा था कि छुट्टी में चले गए थे, अब इसमें यहाँ पर ज़्यादा लोग आ जाएंगे, तो कम लोगों के लिए सामग्री था, ज़्यादा लोग आ गए, निश्चित रूप से वो अब कम दिन चलेगी, पहले वो अधिक दिन चलती क्योंकि लोग कम थे, तो माना कि वो एक्स दिनों तक चलेगी और सब चीज़ वैसी हमें दिख रहा है। सैनिक हैं हमारे पास में और दिनों की संख्या है, तो हम लोगों में दे रहा है 105 सैनिकों के लिए 21 दिनों की रसद सामग्री थी, तो ये बोल रहा है यदि शिविर में 42 सैनिक और आ गए, तो 105 तो पहले से थे, तो 100 और आ गए, मतलब 105 धन 42 हो जाएगा, 147 हमारे हो जाएंगे, तो 147 सैनिकों के लिए यह सामग्री कितने दिन तक चलेगी। कम सैनिक हैं ज़्यादा दिन चलेगी, ज़्यादा लोग ज़्यादा सैनिक आ जाएंगे निश्चित रूप से कम चलेगी, तो चूंकि यह विचरण व्युत्क्रमानुपाती है तो बस इसे ऐसा और ऐसा कर दीजिए, मतलब x बटे 21 बराबर 105 बटे 147, 21 का 13 गुणा कर दीजिए 105 से, x बराबर हो जाएगा 105 गुणित 21 बटे 147, काटते बन जाता है, काट देते हैं हम लोग उसको, 3 7 21, 3 4 12, 3 9 27, 7 1 7, 7 7 49, और ये 7 से हम इससे भी काट देते हैं, 7 1 7, 7 5 35, x बराबर हो गया 15, मतलब वो रसद सामग्री जो थी वो 15 दिनों में समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हम ने अलग अलग प्रकार के 4 सवालों को बनाने की कोशिश करी है, लगभग सवालों का पैटर्न ऐसा ही रहता है, थोड़ा बहुत कुछ अंतर आएगा, तो थोड़ा सा सवाल को आपको पढ़ना पड़ेगा, तो सवाल को अच्छे से पढ़िए समझिए और उसे फिर हल करिए। मुझे लगता है निश्चित रूप से आपको ये व्युत्क्रमानुपाती के जो 4 सवाल मैंने यहाँ पर लिए हैं उन 4 सवाल आपको समझ में आए होंगे, कोशिश किया हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और अगर समझ में आए, पसंद आया हो वीडियो, ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, यदि कोई सलाह हो तो